नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। अब मैं आरएस मैरिया हाजिर हुआ हूँ ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट जो 20 अक्टूबर 2019 को हुआ था, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। उसमें इतिहास और कल्चर, यानी इतिहास और जो राजस्थान की कला संस्कृति है, उसके आपको 25 क्वेश्चन दिए गए थे, 1 से लेकर 25 तक के वो क्वेश्चन है। आज हम उन्हीं का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के उनका ऑब्जेक्ट जो है, उनके जो दे रखे हैं आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, उन ऑप्शंस में से किस प्रकार से पहचाने कि इनमें से अपना सही आंसर कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, इनमें अपना पहला क्वेश्चन है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है। एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ये दे रखा है राजपूतों की उत्पत्ति, कि साहब राजपूत हैं, इनकी उत्पत्ति से संबंधित सबसे सर्वमान्य मत कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सर्वमान्य मत की अगर बात करते हैं तो 4 मत इसमें दे रखे हैं, अग्निकुण से उत्पत्ति, प्राचीन क्षत्रिय वंशों के वंशज, ब्राह्मणों से उत्पत्ति और विदेशी। इनमें हमें मालूम है कि अग्निकुण से उत्पत्ति जो दी है वो अपने चंद्रबरदायिनी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में, प्राचीन क्षत्रिय वंशों के वंशज इनको जो बताया है यह बताया है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। ब्राह्मण के लिए अलग अलग विद्वानों मत दिए हैं, जिस डॉक्टर दशरथ शर्मा का, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का, डॉक्टर भंडारकर का। और विदेशियों के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो कर्नल जेम्स टोड शक हून कुषाणों की संतान बताता है। अगर इसमें अगर सभी मतों का अपन विश्लेषण करें तो इसमें अपन पाएंगे कि जो बी ऑप्शंस जो आपका इसमें दे रखा है, प्राचीन क्षत्रियों के वंशज, इस प्राचीन क्षत्रियों के वंशज वाला जो सिद्धांत है गौरी शंकर हीराचंद ओझा का, इसी को सर्वमान्य मत माना गया है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें तो ये क्वेश्चन है, मंडोर से मेड़ता को राजधानी बनाई। ये क्वेश्चन गुर्जर प्रतिहारों के काल का है और इसमें ये आपको बताना है कि गुर्जर प्रतिहारों के अंदर जो पहले उनकी प्रारंभिक राजधानी हरिश्चंद्र के समय से मंडोर थी, इस मंडोर को मेड़ता के अंदर इसकी राजधानी स्थानांतरित करने वाले शासक कौन थे। तो अपन देखो, जब अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि इसको मेड़ता को जो राजधानी बनाने का कार्य किया था, ये राजधानी बनाया था नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम एक पराक्रमीय के शासक हुए हैं, जिसके दरबार को नागावलोक का दरबार कहा जाता था, और यही नागावलोक के दरबार के शासक नागवत प्रथम ने मंडोर से मेड़ता को गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बनाया था, जो कि आपके ऑप्शन में फर्स्ट है, नागवत प्रथम, ये इसका आंसर होगा। दूसरा महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम और मेहरबोध दे रखे, इनमें से अगर अपन अध्ययन करेंगे तो मंडोर से मेड़ता करने वाले में जो आएगा आपका, ये आएगा दोस्तों नागवत प्रथम। इसके बाद में देखिए नंबर 3 क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें दे रखा है राणा कुंभा की उपाधियों से संबंधित। राणा कुंभा की उपाधि से संबंधित नहीं है, हमें मालूम है कि राणा कुंभा अपने मेवाड़ के एक महान शासक हुए हैं, एक महान विद्वान, महान शिल्पी, महान अपने उसका निर्माता अपन इसको मान सकते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी, तो उन बहुत सारी उपाधियों में से इनमें से कौन सी उपाधि जो इसमें दे रखी है वो इनसे संबंधित नहीं है, ये अपन को सिलेक्ट करना है। तो पहला उपाधि देखो, रितंब्रो, ये इन्हीं को बताया गया हमें मालूम है। अभिनव भट्टाचार्य, संगीत में निपुण होने के कारण से महाराणा कुंभा को ही अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई है। गणपति, नरों के अंदर श्रेष्ठ होने के कारण से इसको गणपति की उपाधि भी इसको दी गई है। और चौथा ऑप्शन है हिंदूपद, तो यही अपना आंसर होगा, क्योंकि हमें मालूम है हिंदूपद और एक है हिंदू सुरतान। इनमें से जो हिंदू सुरतान उपाधि है, ये हिंदू सुरतान उपाधि तो दोस्तों दे रखी है महाराणा कुंभा के लिए काम ली गई है, जबकि हिंदू पद की बात करें तो मुस्लिम शासकों ने हिंदू पद की जो उपाधि दी थी, या हिंदू पद जिसके लिए शब्द काम में लिया था, ये थे राणा सांगा। तो हमें मालूम है कि हिंदू पद राणा सांगा थे, न कि राणा कुंभा, क्योंकि राणा कुंभा के लिए जो शब्द काम में लिया गया था वो तो था हिंदू सुल्तान। तो इसमें अपना जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, हिंदू पथ।
बाकी तीनों जो अन्य उपाध्याय हैं गणपति अभिनव भट्टाचार्य और रितंब्रो ये सब महाराणा कुंभा से ही संबंधित है। इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर चार। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार की बात करें तो इसमें दे रखा है बिजोलिया शिलालेख का संबंध है, जो बिजोलिया शिलालेख है इस बिजोलिया शिलालेख का संबंध किनसे है। चार शासकों के नाम दे रखे हैं, आप में से इनको ये सिलेक्ट करना है कि किस शासक के काल में बिजोलिया शिलालेख का निर्माण बिजोलिया शिलालेख उत्कीर्ण किया गया था। तो देखो जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें मालूम है कि 1170 1170 ईस्वी के अंदर 1170 ईस्वी के अंदर जैन मुनि लोलाक ने बिजोलिया के अंदर ये अभिलेख इसको लिखवाया था। और इसको लिखने वाले या यूं कहें कि इसके उत्कीर्ण कर्ता की अगर बात करते हैं तो इसका उत्कीर्ण करना था उत्कीर्ण कर्ता की बात करें तो ये थे गुणभद्र। तो गुणभद्र ने इसे 1170 ईस्वी के अंदर उत्कीर्ण किया था और इस अभिलेख के अंदर बिजोलिया अभिलेख के अंदर उसने शाकंबरी के चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव को बताया था। साथ ही यहीं से एक चीज उसने बताई थी कि शाकंबरी और जो अजमेर के चौहान हैं इन शाकंबरी और अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण भी इस अभिलेख के अंदर बताया गया है। इसे बताया गया है कि साहब शाकंबरी और अजमेर के चौहान ये मूलतः वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। तो देखिए इनमें से अगर अपन चार शासकों के बारे में बात करें तो इसमें शासक का नाम दे रखा है अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान और सोमेश्वर। अगर इन चारों की अपन चर्चा करते हैं और इनका कार्यकाल देखते हैं तो सोमेश्वर ऐसा है जो 1167 से लेकर 1177 ईस्वी तक उसने अजमेर के ऊपर शासन किया था। और हमें मालूम है कि इसका निर्माण 1170 ईस्वी के अंदर ये इसको उत्कीर्ण करवाया गया था बिजोलिया शिलालेख का। तो ऑब्वियसली अपना जो आंसर होगा इसमें ये होगा सोमेश्वर। ये आंसर जो इसमें होगा अपना सोमेश्वर होगा। जबकि अन्य शासकों के बारे में बात करें तो पृथ्वीराज चौहान हमें बताया है 1177 से लेकर 1192 तक रहते हैं, विग्रहराज चतुर्थ 53 से लेकर 63 तक रहते हैं, अर्णोराज की बात करें 1133 से लेकर 1147 तक ये शासक रहते हैं। तो ये तिथि जो मेल करती है ये कर रही है सोमेश्वर से। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ये आंसर होगा सोमेश्वर। इसके आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांच। क्वेश्चन नंबर पांच में दे रखा है प्रताप से संबंधित असत्य है। देखो एग्जाम में प्रताप, कुंभा और सांगा इनमें से किसी न किसी का क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसे इसमें दे रखा है प्रताप से संबंधित असत्य है कि प्रताप जो महाराणा प्रताप है उनसे संबंधित इसमें कुछ कथन दे रखे हैं या उनके बारे में कुछ बता रखा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये हमको इसमें सिलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों इनमें अगर अपन देखते हैं तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि हल्दीघाटी के समय राजधानी कुंभलगढ़, आपातकालीन राजधानी चावन, प्रताप मान सिंह की मुलाकात उदयसागर के पाल पे, प्रताप स्मारक कुंभलगढ़। तो इसमें अपन देखेंगे तो देखिए हल्दीघाटी युद्ध के समय राजधानी निश्चित रूप से कुंभलगढ़ थी, आपातकालीन राजधानी इसने 1585 के अंदर जो बनाई थी वो चावन को बनाई थी, प्रताप और मान सिंह कछवा इन दोनों की मुलाकात उदयसागर के पाल पर ही बताई गई है। तो ये तीनों कथन ही अपने सही है। इनमें से देखो प्रथम कथन की अपन बात करें कि हल्दीघाटी के समय राजधानी हल्दीघाटी युद्ध के समय राजधानी कौन सी थी। देखिए आपको मालूम होगा वैसे गोगुंदा के समय जो गोगुंदा है गोगुंदा के ऊपर गोगुंदा को जीतने के लिए ही आते हैं, लेकिन प्रताप ने क्या किया था, प्रताप यहाँ से यहाँ कुंभलगढ़ आता है, कुंभलगढ़ ही पूरी योजना बनाता है और कुंभलगढ़ से ही खमनौर की पहाड़ियों के अंदर रहता हुआ वहीं खमनौर की पहाड़ियों में लोसित गांव को अपना कैंप बनाता है और यहीं पर रहते हुए युद्ध करता है। हारने के बाद में भी प्रताप जाता है वो कुंभलगढ़ ही जाता है। तो ये तीनों ऊपर वाले ऑप्शन आपको सही है। चौथा ऑप्शन प्रताप स्मारक कुंभलगढ़, तो इसकी बात करेंगे तो प्रताप स्मारक कुंभलगढ़ ने होकर प्रताप स्मारक जो बनाया गया है ये बनाया गया है मोती मगरी उदयपुर के अंदर। ये जो दोस्तों मिलेगा वो कहां पर है, मोती मगरी उदयपुर जो बिल्कुल फतेह सागर के पास में जो पहाड़ी स्थित है उस पहाड़ी के ऊपर ये बना हुआ प्रताप स्मारक। तो इसमें जो असत्य कथन है ये यही है कि प्रताप स्मारक कुंभलगढ़ ये असत्य है।
वास्तविक इसका सही जो आंसर सही होगा वो ये होता है कि प्रताप स्मारक मोती मंगरी उदयपुर के अंदर बना हुआ है, तो यही अपना इसमें आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहे हैं अपन तो पृथ्वीराज चौहान से संबंधित असत्य कथन। इसमें दे रखा है कि पृथ्वीराज चौहान है उनसे संबंधित असत्य कथन कौन सा है या असत्य तथ्य है, उनमें से असत्य कथन आपको इसमें सिलेक्ट करना है। तो इसमें देखो दे रखा है राय पिथौरा, दल पंगुल, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज द्वितीय। तो देखो हमें मालूम है कि पृथ्वीराज चौहान से संबंधित असत्य तथ्य की बात करें तो राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान की उपाधि है, तो ये इसके बारे में सही है। दल पंगुल यानी विश्व विजेता, ये भी पृथ्वीराज चौहान ने उपाधि धारण की थी। पृथ्वीराज तृतीय को ही हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा ये होगा पृथ्वीराज द्वितीय, इसका संबंध पृथ्वीराज चौहान से नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है कि साहब पृथ्वीराज चौहान के नाम से किसे जाना जाता है, तो होने को तो पृथ्वीराज चौहान के तीन शासक हुए, लेकिन इन तीनों में सबसे जो पॉपुलर हुआ है ये हुआ है पृथ्वीराज तृतीय, तो पृथ्वीराज तृतीय को ही हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए इसमें दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक, ऐसा चौहान शासक जिसने दिल्ली के ऊपर चौहानों का शासन स्थापित किया। तो देखिए दोस्तों इसकी अगर अपन बात करते हैं तो हमें मालूम है कि विग्रहराज चतुर्थ के काल को इन चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है, और ये प्रथम शासक थे जिन्होंने दिल्ली के तोमरों को हराया और दिल्ली के तोमरों को हराकर दिल्ली के ऊपर उसने अधिकार कर लिया। तो इसमें अपना जो सही आंसर होगा ये होगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थी थे जिन्होंने 1153 से लेकर 1167 ईस्वी तक उन्होंने अजमेर पर राज किया, दिल्ली के तोमरों को हराया। सबसे ज्यादा चौहानों की सांस्कृतिक राजनीतिक और सामाजिक रूप से जो उन्नति होती है ये उन्नति इन्हीं के काल में होती है, तो इन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया, तो निश्चित रूप से हमारा जो आंसर होगा वो होगा विग्रहराज चतुर्थ। आगे देखिए कछुआओं की प्रारंभिक राजधानी है, तो कछुआ शासक है इनकी प्रारंभिक राजधानी किसे माना गया है। तो देखिए कछुओं की अगर अपन प्रारंभिक राजधानी की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि सोडा राय ये ग्वालियर के थे या नरवर के पास के, इसी सोडा राय का पुत्र दुले राय, ये दुले राय को चौहान दोसा बुलाते हैं, और दुले राय ने बड़ गुजरों को हराकर, जो बड़ गुजर थे इन बड़ गुजरों को हराया, और बड़ गुजरों को हराकर इन्होंने दोसा के ऊपर अधिकार कर लिया, और यहीं से राजपुताना के अंदर कछुआ वंश की शुरुआत होती है। इन्होंने दोसा के बाद में जो जमुआ रामगढ़ था, इस जमुआ रामगढ़ को जीता और जीतकर अपनी आराध्य देवी जमुआई माता का मंदिर बनाया जो कि कछुआओं की कुल देवी कहलाती है। तो इसमें से अगर अपन देखेंगे कि पहली राजधानी की बात करें तो हमारे राजपुताना के अंदर कछुआओं का जो संस्थापक माना जाता है ये दुले राय को ही माना जाता है, तो निश्चित रूप से हमारे इसमें जो आंसर भी होगा वो ये होगा दोसा, और कछुआओं की पुरानी राजधानी है पहला ऑप्शन में दे रखा है दोसा, दूसरे में जमुआ रामगढ़, तीसरा में आमेर, और चौथे में दे रखा है गेटोर। तो हमें पता है सबसे पहले ये दोसा थे, फिर जमुआ रामगढ़ आए थे, उसके बाद में उन्होंने आमेर और गेटोर के मीणाओं को हराया और वहां पर अपना अधिकार किया था, लेकिन आमेर और गेटोर की मीणाओं को हराने का कार्य जो किया था वो दुले राय के बाद में उसको कोकिल देव, ये कोकिल देव आते हैं, और कोकिल देव ने ही आमेर और यहाँ के गेटोर की मीणाओं को हरा कर आमेर को राजधानी बनाई थी। तो निश्चित रूप से इनकी जो प्रथम राजधानी है ये दोस्तों रहेगी दोसा। इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है सर्वाधिक मराठा आक्रमणों का सामना करना पड़ा, सबसे ज्यादा मराठा आक्रमणों का सामना किस शासक को करना पड़ा था। तो इसमें चारों शासक जो दे रखे हैं वो हमारे आमेर के यानी जयपुर के दे रखे हैं, जैसे प्रथम ऑप्शन है स्वाई प्रताप सिंह, दूसरा स्वाई माधो सिंह प्रथम, ईश्वर सिंह और जय सिंह प्रथम,
अगर इन शासकों के बारे में अपन का अध्ययन करते हैं तो हमें पता है कि 1730 ईस्वी के अंदर जयसिंह प्रथम यानी कि जो सवाई जयसिंह प्रथम यानी मिर्जा राजा जयसिंह, इसके काल में मराठों का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रोल नहीं था। हाँ, सवाई जयसिंह जिसको हम जयसिंह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, इसके काल में ही मराठा आक्रमण होने लगे, क्योंकि राजपुताना के चाणक्य कहलाने वाले इसी जयसिंह ने बूंदी के मामले को लेकर मराठों को हस्तक्षेप के लिए राजपुताना में आमंत्रित किया था। तो उसके बाद में धीरे 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 इनका आतंक बढ़ता गया और इनका आतंक जयपुर के अंदर सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इनके पुत्र जो ईश्वर सिंह जी थे, इनके काल में भी इनका आतंक रहता है। ईश्वर सिंह जी ने मराठों के भय से ही आत्महत्या की थी। इन मराठों की सहायता से ही स्वयं माधो सिंह जी ईश्वर सिंह के बाद में शासक बने थे, लेकिन वास्तव में मराठों के साथ जो दुश्मनी की शुरुआत होती है वो भी स्वयं माधो सिंह के काल में ही होती है। और स्वयं माधो सिंह के बाद में जो जयपुर का प्रसिद्ध शासक बना सवाई प्रताप सिंह, सबसे ज्यादा मराठा आक्रमणों का जो सामना करना पड़ा है ये करना पड़ा है दोस्तों सवाई प्रताप सिंह को। आपको याद होगा तुंगा का युद्ध, बस्सी का युद्ध, पाटन का युद्ध। तो तुंगा, बस्सी, पाटन ये जो 1787 के बाद में 1790 और 1800 ईस्वी के अंदर जो ये तीनों युद्ध हुए, तुंगा का युद्ध, बस्सी का युद्ध और पाटन का युद्ध, ये तीनों मराठों के युद्ध जो होते हैं ये स्वयं प्रताप सिंह के काल में ही होते हैं। इसमें से अपना सही आंसर जो आएगा वो यही आएगा कि स्वयं प्रताप सिंह को ही सर्वाधिक मराठा आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। ये तो इसमें अपना क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9। अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए जो उसके आगे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन है कि आमेर के महलों का निर्माता कौन है, आमेर के महलों का निर्माण किसने करवाया था। और ऑप्शन में दे रखा है मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह प्रथम, भारमल और दुले राय, भारमल और दुले राय। तो दोस्तों इनमें चारों में से अगर अपन देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि सबसे ज्यादा आमेर के अंदर महलों का जो निर्माण करवाया था ये फर्जंद राजा मानसिंह ने ही करवाया था। अकबर के काल में फर्जंद राजा मानसिंह जिसको फर्जंद की उपाधि अकबर ने दी थी और अकबर के नवरत्नों में ये शामिल था, तो इसी ने 1589 टू 1614 तक सबसे जो यहाँ शासक किया उसने, और इसी के काल में आमेर के अधिकांश महलों का निर्माण किया गया। कराने को सभी शासकों ने कुछ न कुछ निर्माण किया है, लेकिन अधिकांश महलों का निर्माण फर्जंद राजा मानसिंह के काल में होने के कारण से हम आमेर के महलों का निर्माता जो मानते हैं ये मानते हैं दोस्तों मानसिंह प्रथम को। आगे देखिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है जयपुर का मुकुट कहलाता है, जयपुर का मुकुट किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें जयपुर का मुकुट की बात करें तो इसमें आपको चार जो दुर्ग ऐसे दे रखे हैं जो चारों ही जयपुर में है, लेकिन वास्तव में इनमें जयपुर का मुकुट किसे कहते हैं ये अपन को देखना है। आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट और माधुराजगढ़, इन चारों में से अपन देखते हैं तो हम पाते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। जैसे सबसे पहले देखो ये आपका आमेर फोर्ट मिलेगा, इस आमेर फोर्ट के पास में यहाँ पर आपको मावठा झील मिलेगी, इसके ऊपर सुरंग के माध्यम से जुड़ा हुआ है और जस्ट ऊपरी जो चीला पहाड़ी है इस पहाड़ी के ऊपर आपको यहाँ पर जयगढ़ फोर्ट मिलेगा, और जयगढ़ फोर्ट से ही आगे अपन जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये नाहरगढ़ फोर्ट। तो सबसे ऊंचाई के ऊपर भी ये स्थित है और इस नाहरगढ़ फोर्ट का निर्माण 1734 ईस्वी के अंदर जो सवाई जयसिंह जी ने करवाया था यानी जयसिंह द्वितीय ने करवाया था, ये करवाने का उद्देश्य था मराठा आक्रमण के समय एक सुरक्षित स्थान की तलाश, और सबसे ऊंचाई पर स्थित होने के कारण से ही इस नाहरगढ़ फोर्ट को जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है। तो सीधी सी बात है जयपुर का मुकुट कहलाता है।
अगर दुर्ग की बात करें तो ये हम नाहरगढ़ फोर्ट को ही जयपुर का मुकुट भी कहते हैं, इसी को हम सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है सिसोदिया रानी के महल के निर्माता कौन है, सिसोदिया रानी के महल के निर्माता कौन है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सिसोदिया रानी कौन थी, अगर ये हमको मालूम है तो निश्चित रूप से अपनी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर ये अपन देखते हैं कि सिसोदिया रानी के बारे में तो हमें पता होगा कि जब एक समझौता होता है देवबारी समझौता, इसी देवबारी समझौते के तहत पुत्र उत्तराधिकार की शर्त के ऊपर, पुत्र उत्तराधिकार की शर्त के ऊपर मेवाड़ यानी मेवाड़ के शासक सिसोदिया या राणा, ऐसे ही मेवाड़ का शासक जो अमर सिंह सिसोदिया या अमर सिसोदिया द्वितीय था, इस अमर सिंह सिसोदिया द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्रेश कंवरी, अपनी पुत्री चंद्रेश कंवरी का विवाह पुत्र उत्तराधिकार की शर्त के ऊपर इसने सवाई जयसिंह से किया था, और इसी सवाई जयसिंह ने चंद्रेश कुंवरी जिसको सिसोदिया रानी भी कहा जाता है इसके लिए इसने एक अलग महल का निर्माण करवाया राजमहल से करीब 8 किलोमीटर दूर, जिसको बोलते हैं अपन सिसोदिया रानी का महल। तो निश्चित रूप से इस महल का जो निर्माता होगा ये दोस्तों होगा जयसिंह द्वितीय, जो निर्माता होगा इसका वो कहलाएगा जयसिंह द्वितीय, या फिर अगर अपन बोले सॉरी जयसिंह द्वितीय इसके निर्माता होंगे, क्योंकि सवाई जयसिंह को ही अपन क्या बोलते हैं जयसिंह द्वितीय भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए तीन शासक हुए हैं मिर्जा राजा जयसिंह। अगर मिर्जा राजा जयसिंह की बात करें तो ये प्रथम शासक, सवाई जयसिंह की बात करें तो ये सवाई जयसिंह जयसिंह द्वितीय के नाम से, और उसके बाद में एक और हुआ है सवाई जयसिंह द्वितीय, ये सवाई जयसिंह द्वितीय जयसिंह थर्ड के नाम से जाना जाता है। तो निश्चित रूप से इसमें जो हमारा आंसर होगा ये होगा दोस्तों जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय ने ही सिसोदिया रानी का महल का निर्माण करवाया था, यानी अपनी प्रिय रानी इस सिसोदिया रानी के महल का निर्माण ये करवाता है। इसके बाद में देखिए आगे का क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन है अंतिम हिंदू सम्राट जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, अंतिम हिंदू सम्राट जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। तो इसमें राजस्थान का यज्ञ अपन पढ़ रहे हैं, तो हमें पहला तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि राजस्थान के संदर्भ में ही अपन को ये आंसर देना है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में दे रखा है हर्षवर्धन, स्वय जयसिंह, प्रथम मिहिर बोझ और दंती दुर्ग। तो देखो इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं, तो हर्षवर्धन ने भी इस प्रकार का करवाया था, लेकिन हर्षवर्धन का तो काल अपन को मालूम है 643 के लगभग उसने ऐसा करवाया था, जब उसकी मृत्यु से कुछ दिन पहले करवाया था। मिहिर बोझ का ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। दंती दुर्ग ने भी एक हिरण्यगर्भ यज्ञ उन्होंने उज्जैन के अंदर करवाया था, लेकिन अगर अपन अंतिम हिंदू सम्राट जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया अगर ये देखते हैं तो ये आयोजन करवाने वाले शासक थे सवाई जयसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह प्रथम, या फिर हम इसको क्या बोल देंगे जयसिंह द्वितीय। इसी जयसिंह द्वितीय ने 1737 के अंदर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था, और इस अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा होता है इस घोड़े को रोकने की जो रस्म निभाई थी ये खुमानी राजपूतों ने निभाई थी। तो अंतिम हिंदू सम्राट जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया ये हमारे जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम ही थे। दोस्तों इसके आगे के देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण सिद्ध करता है। मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको बताया था कि बिजुलिया शिलालेख का संबंध है सोमेश्वर से, और इसी में हमने चर्चा की थी कि इस शिलालेख के अंदर शाकंभरी और अजमेर के चौहानों को, शाकंभरी और अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो निश्चित रूप से इनमें जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा रहेगा बिजोलिया शिलालेख। इस ऑप्शन में दे रखा है हर्ष शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, मंदसौर और गढ़ियाल,
इनमें पहली बात तो देखो, हम देखेंगे तो चौहानों से संबंधित केवल दो ही हैं। चौहानों से संबंधित एक तो हर्ष शिलालेख है इनमें से, और दूसरा है अपना ये बिजोलिया शिलालेख। और दोनों जो बाकी शिलालेख है इनका इनसे कोई मतलब नहीं है। तो हर्ष शिलालेख के अंदर तो देखो चौहानों को जो बताया गया है ये बताया गया है सूर्यवंशी, इसमें चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी, जबकि बिजोलिया शिलालेख में ही इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो निश्चित रूप से हमारा इसमें जो आंसर है वो बी होगा, बिजोलिया शिलालेख। इसके बाद में देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अपन। तो इसमें जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है कि भारत का वीर पुरुषार्थ राजकुमार, भारत का वीर पुरुषार्थ राजकुमार किसे कहा गया है, और इसमें ऑप्शन दे रखा है मालदेव सोनग्रह, राम मालदेव, राणा प्रताप और मानसिंह प्रथम। अगर हम इस क्वेश्चन की विवेचना करते हैं तो हम एक चीज पाते हैं कि दो शासक, एक तो जैसे मालदेव सोनग्रह और एक जो राव मालदेव, यानी मालदेव नाम के दो शासक हुए हैं। इनमें से जो मालदेव सोनग्रह है जो कानरदेव चौहान या कानरदेव सोनग्रह का छोटा भाई था और अलाउद्दीन खिलजी के अधीनता स्वीकार कर ली थी, अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया था, और ये मालदेव सोनग्रह इतिहास में मुच्छाला मालदेव के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो मुच्छाला मालदेव का अगर आएगा तो वो तो कहलाएगा दोस्तों मालदेव सोनग्रह। लेकिन इसमें दे रखा है कि हसमत वाला राजा वीर पुरुषार्थ राजकुमार, तो हमें मालूम है कि राम मालदेव को हम असमत वाला राजा भी कहते हैं, और इसे ही भारत का वीर पुरुषार्थ राजकुमार भी कहा जाता है, जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा ये होगा राम मालदेव, जो कि मारवाड़ के शासक थे। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा राव मालदेव। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है कि रानी पद्मावती को ऐतिहासिक पात्र माना है। देखो हम रावल रतन सिंह और पद्मावती के बारे में, पद्मिनी के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनते हैं। इन कहानियों का अगर अपन स्रोत देखते हैं तो इनका स्रोत हमको जो मिलता है ये एक तो मिलता है खजाइन उल फतुह है, खजाइन उल फतुह ग्रंथ जो अमीर खुसरो ने लिखा था उसके अंदर भी ये बातें बताई गई हैं। लेकिन अगर आप खजाइन उल फतवा की बात करें तो इस खजाइन उल फतवा ग्रंथ में जो अमीर खुसरो ने लिखा था और वो इस युद्ध में प्रत्यक्ष दर्शी था जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 के अंदर, तो इसने भी इसमें उल्लेख किया है कि भैया पद्मनी नाम के किसी भी पात्र का इसने सीधा सीधा उल्लेख उसमें नहीं किया है। नहीं कहीं पर आपको सूर्यमन मिश्रण की रचना मिलेगा, ना कहीं जीएच ओझा के में और ना ही भंडार करके में। तो इसमें रानी पद्मावती या पद्मिनी को ऐतिहासिक पात्र मानने की बात करते हैं तो ये एकमात्र विद्वान है डॉक्टर दशरथ शर्मा। अधिकांश जगह देखो दोस्तों आपको जो अपवाद मिलेगा वो यही मिलेंगे, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ही ऐसे थे जिन्होंने पद्मावती को एक ऐतिहासिक पात्र माना और किसी भी विद्वान ने इनको ऐतिहासिक पात्र नहीं माना। स्वयं जो प्रत्यक्ष दर्शी अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो ने भी अपने ग्रंथ खजाइन उल फतवा के अंदर उन्होंने पद्मावती नाम के किसी पात्र का कोई चर्चा नहीं की है। देखिए दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्रांति से संबंधित, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया कि 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं रहा। इसमें आपको यह देखना है कि 1857 की क्रांति जो राजपूताना केंद्र भी होती है तो इसका केंद्र कहां कहां पर था, कौन सा इसका केंद्र नहीं है। तो हमें आंसर देना केंद्र नहीं है। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, जयपुर, नीमच, कोटा और अरिनपुरा। तो देखो हमें पता है नीमच में क्रांति होती है 3 जून को होती है, 3 जून को नीमच में क्रांति हुई। कोटा की बात करें 15 अक्टूबर के अंदर कोटा में क्रांति होती है मेहराब खां, हरदयाल, जयदयाल भटनागर के नेतृत्व में। अरिनपुरा की बात करें तो अरिनपुरा के अंदर जो क्रांति होती है वो हमें मालूम है 21 अगस्त, उसके बाद में 23 अगस्त 1857 को मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में, और आगे चलकर
इस क्रांति का नेतृत्व एरुणपुरा में करता है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। तो ये तीन तो प्रमुख केंद्र थे, लेकिन पूरी क्रांति में आपको कहीं भी ये नजर नहीं आएगा कि साहब जयपुर में क्रांति से संबंधित कोई घटना हुई। तो निश्चित रूप से अपन कहेंगे कि क्रांति का केंद्र कौन सा है, इसमें जयपुर। हाँ, जयपुर के जो महाराजा थे राम सिंह जी द्वितीय, ये राम सिंह जी द्वितीय ने जरूर अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की थी, और अंग्रेजों ने इसी सहायता के बदले स्वयं राम सिंह जी द्वितीय को स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि और कोटपुतली का परगना उनको भेंट किया था। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद में देखिए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 जो इसमें दिया गया है, इस क्वेश्चन नंबर 18 में है असत्य है, यानी जो इसमें कथन दे रखे हैं, इन कथनों में से आपको ये सिलेक्ट करना है कि इसमें असत्य कथन कौन सा है। और ये क्वेश्चन भी क्रांति से संबंधित है। जिसे देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है इसमें राजपुताना का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो हमें पता है दोस्तों 1832 के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो प्रशासन का केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन करता है, इसी बेंटिंग ने 1832 में राजपुताना में प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए एजीजी का पद सृजित किया, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और मिस्टर लॉकेट को इन्होंने यहाँ का गवर्नर एजीजी नियुक्त किया था। तो ये देखा पहली लाइन कि राजपुताना का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल मिस्टर लॉकेट, बिल्कुल सही कथन अपनाइए। इसमें दूसरा कथन आप देखेंगे जो दे रखा है कि क्रांति के समय राजपुताना का एजीजी, तो निश्चित रूप से जब 1857 के अंदर क्रांति होती है तो क्रांति के समय जो एजीजी की बात करेंगे, एजेंट टू गवर्नर जनरल की बात करेंगे, तो ये सर जॉन पैट्रिक लॉरेंस ही थे, सर जॉन पैट्रिक लॉरेंस थे। तो निश्चित रूप से हमारा ये कथन भी सही है। तीसरा देखिए क्रांतिकारियों का सबसे अधिक अवधि तक प्रभाव रहा, सबसे अधिक अवधि तक प्रभाव रहा, और इसमें एरुणपुरा दे रखा है। हमें मालूम है एरुणपुरा में क्रांति 23 अगस्त 1857 को होती है, और उसके बाद में अक्टूबर 1857 को कैप्टन होम्स क्या करता है, इसने क्रांति का दमन यहाँ पर कर दिया था। तो करीब 3 माह के लगभग इनका शासन रहा। वहीं पर अपन कोटा देखते हैं, तो कोटा में हमें मालूम है 15 अक्टूबर 1857 के अंदर क्रांति शुरू होती है, और उसके बाद में मार्च 1858 के अंदर यहाँ पर रॉबर्ट्स नामक अंग्रेज अधिकारी ने क्रांति का दमन किया। तो करीब ये काल अपन देखेंगे तो 6 मंथ का ये काल होता है। तो इस संदर्भ में अगर देखो आप तो सबसे ज्यादा समय तक क्रांति का जो प्रभाव रहता है राजपुताना वो कहां पर रहता है, कोटा के अंदर, और इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, एरुणपुरा। तो निश्चित रूप से ये कैसा एक असत्य कथन है। चौथा देखिए क्रांति का प्रतीक। तो हमें मालूम है क्रांति का प्रतीक क्या था, रोटी एवं कमल का फूल, रोटी का टुकड़ा एवं कमल का फूल को ही क्रांति का प्रतीक बनाया गया था। तो ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो रहेगा क्रांतिकारियों का सबसे अधिक अवधि तक प्रभाव एरुणपुरा, क्योंकि ये गलत है। तो असत्य कथन भी यही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा दोस्तों सागरी प्रथा का उन्मूलन हुआ। ऑप्शन में दे रखा 1861, 1859, 1849, 1881। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है, कि इसमें ऑप्शन प्रथम तो दे रखा है, क्योंकि इन चारों को देखते हैं तो चारों में से कोई सा भी आंसर नहीं है। वास्तव में सागरी प्रथा को उन्मूलन जो होता है वो होता है 1961 के अंदर, इसका जो उन्मूलन होता है वो 1961 के अंदर होता है। तो यही इसका सही आंसर होगा। तो आपका जो भी आपके पास इसकी PDF हो या कुछ भी हो तो आप इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। ये 1861 ना होकर 1961 है, और 1961 में ही इस क्रांति जो सागरी प्रथा है, इस सागरी प्रथा का दमन किया गया था। ये तो आपको याद हो गई कि सागरी प्रथा क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं, सागरी प्रथा एक तरह से बंधुआ मजदूरी है। इसमें क्या करते हैं, जैसे गांव के किसी साहूकार से या किसी से भी पैसा उधार लेते हैं, तो जब तक आप उनका पैसा नहीं चुकाओगे
उस गरीब परिवार का एक व्यक्ति हमेशा उस जहां से पैसा आपने लिया है उनकी सेवा के अंदर बिना किसी मेहनताना के हमेशा काम करता रहेगा। ये प्रथा कहलाती है सागरी प्रथा, जिसको वर्तमान के अंदर इस पर रोक लगा दी गई है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद में देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है मेवाड़ में सती प्रथा का पूर्णतया रोक लगाई। मेवाड़ में सती प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक कौन लगाता है? और इसमें चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं, महाराणा स्वरूप सिंह, राणा सम्मू सिंह, राणा फतेह सिंह और जसवंत सिंह प्रथम। इनमें से आप देखिए राणा स्वरूप सिंह जो क्रांति के समय भी ये रहता है, और राणा स्वरूप सिंह ने 1861 ईस्वी के अंदर कहा था कि भैया सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, तो सती प्रथा पर रोक लगाने का आदेश तो उसने निकाला, लेकिन जब ये 1861 में इसकी मृत्यु हुई 1861 में ही, तो इन्हीं के साथ एंजाबाई नामक एक दासी सती हो गई थी जो कि मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने वाली अंतिम महिला थी। और उनके बाद में महाराणा स्वरूप सिंह के बाद में 1861 के अंदर जो शासक बनता है ये बनते हैं राणा शंभू सिंह जी। तो राणा शंभू सिंह जी ने स्थायी रूप से पूर्णतया उन्होंने सती प्रथा के ऊपर रोक लगा दी। तो उसके बाद में आपको मेवाड़ के इतिहास में कहीं भी सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। तो अपना जो सही आंसर होगा दोस्तों इसमें होगा बी, राणा शंभू सिंह। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, इसमें देखा आपका हिंदू मुस्लिम ईसाई स्थापत्य शैली का संगम। हिंदू मुस्लिम और ईसाई ये तीनों अलग अलग स्थापत्य शैलियां हैं, तो इन तीनों स्थापत्य शैलियों का संगम का एग्जाम्पल कौन सा है? इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, वेलकम पैलेस, मानसून पैलेस, आमिर महल और कोटा महल। तो अपन देखेंगे कोटा महल कैसे कोई लेना देना नहीं है, कोटा महल बिल्कुल जो बना हुआ है ये हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार बने हुए चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। आमिर महलों के ऊपर मुगल स्थापत्य शैली का प्रभाव है, तो हम इसको मुस्लिम और हिंदू शैली तो मान सकते हैं लेकिन ईसाई शैली का यहाँ पर ज्यादा प्रभाव नहीं है। मानसून पैलेस जो कि सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर बना हुआ है, इसका निर्माण शुद्ध हिंदू शैली के अंदर किया गया है, तो यह भी नहीं है। अब अगर इनमें देखें तो वेलकम पैलेस जिसको मुबारक महल भी कहते हैं, और हमारी सिटी पैलेस के पास में ही इसमें स्वयं माधव सिंह जी द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था, प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था वेलकम पैलेस का। इसी वेलकम पैलेस या आप कह सकते हैं इसको मुबारक महल, इस वेलकम पैलेस या मुबारक महल को हिंदू मुस्लिम और ईसाई तीनों शैलियों का मिश्रण माना जाता है। ऐसी ही जयपुर के अंदर एक और इमारत है और वो इमारत है हमारा अल्बर्ट हॉल। ध्यान रखना दोस्तों, अल्बर्ट हॉल और वेलकम पैलेस ये दोनों ऐसी इमारतें हैं जो हिंदू मुस्लिम ईसाई तीनों स्थापत्य शैलियों का एग्जाम्पल यानी कि मिश्रण है। तो निश्चित रूप से हमारे इसमें आंसर हो जाएगा वेलकम पैलेस, और ये वेलकम पैलेस कहां पर है? जयपुर के अंदर सिटी पैलेस के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य ने दुर्गों का प्रकार बताया। चाणक्य जिसको कोटले भी कहते हैं, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, तो दोस्तों इस चाणक्य कोटले विष्णुगुप्त इसने दुर्गों का कितने प्रकार बताए हैं? आपको ये तो मालूम हो गई कि चाणक्य जो तक्षशिला का शिक्षक था, तक्षशिला के शिक्षक थे, इन्होंने अखंड भारत की योजना सपना देखा और ये अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे। इसी अखंड भारत का निर्माण करने के लिए उसने एक नायक की भूमिका में चंद्रगुप्त मौर्य को चुना, और चंद्रगुप्त मौर्य को बिल्कुल एक मिट्टी से पारस बना देता है ये, और वो पहला शासक रहता है चंद्रगुप्त मौर्य जिसने पूरे भारत को एक अखंड भारत के अंदर बदला। तो इसी ने अपने चाणक्य ने बताया था कि साहब दुर्ग चार प्रकार के होते हैं, और चार प्रकार के जो दुर्ग उसने बताए उसमें बताता है कि सबसे उत्तम दुर्ग जो उस काल में भी था गिरी दुर्ग था, उसके बाद में इसने औदक दुर्ग की बात की, औदक दुर्ग बोल दीजिए या आप इसको जल दुर्ग कह दीजिए, तीसरा आप इसको वन दुर्ग के बारे में बताया गया है, और चौथा बताया गया है धानवन दुर्ग के बारे में। तो धानवन, वन, औदक और गिरी, इन चार दुर्गों का, दुर्गों की चार श्रेणियों का जो उल्लेख किया है वो चाणक्य ने किया है,
वहीं पर अगर अपन शुक्र नीति की बात करते हैं तो शुक्र नीति में दोस्तों दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं। इनमें से चारों प्रकार तो ये होंगे होंगे, गिरिदुर्ग, जलदुर्ग, वन दुर्ग, धनवन दुर्ग। इसके अलावा पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग और एरन दुर्ग, ये 5 दुर्ग। तो ये और चार, ये कुल मिला के अगर हम शुक्र नीति की बात करें तो शुक्र नीति के अनुसार कुल दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं। लेकिन अगर चाणक्य की बात करेंगे तो चाणक्य के दुर्गों के केवल 4 ही प्रकार बताता है, और वो है गिरिदुर्ग, औदक दुर्ग, वन दुर्ग और धानवन दुर्ग। इसके बाद में देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इस 23 में बताया गया है जल दुर्ग का उदाहरण नहीं है। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जल दुर्ग किसे कहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जल दुर्ग ऐसे दुर्ग को कहते हैं जो किसी विशाल जल राशि के पास में स्थित हो। वो कोई झील हो सकती है, उसके पास में कोई नदी हो सकती है, नदियों का संगम हो सकता है। तो ऐसे दुर्ग जो किसी नदी के ऊपर, नदियों के संगम पे या किसी झील के किनारे बने हुए हैं, उन सबको अपन, यानी विशाल जलराशि के पास में बने हुए हैं, उन सभी को अपन जल दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। अब इसमें ऑप्शन में देखो दे रखा है गागरन दुर्ग। तो पहला, गागरन दुर्ग जल दुर्ग है या नहीं है ये हमको मालूम होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, गागरन दुर्ग निश्चित रूप से एक जल दुर्ग है, क्योंकि ये काली सिंध और आहू नदी के संगम, जो काली सिंध और आहू नदी है, इन आहू नदी के संगम जिसको सामेल कहते हैं, इस सामेल के पास में बना हुआ है। तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर जल दुर्ग का सबसे उत्तम उदाहरण माना जाता है, ये माना जाता है गागरन दुर्ग। दूसरा ऑप्शन है इसमें शेरगढ़। अब देखिए दोस्तों, शेरगढ़ 2 है, एक शेरगढ़ 12 में है, एक शेरगढ़ धौलपुर के अंदर है। लेकिन यहाँ पर अपन जिस शेरगढ़ की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से अगर जल दुर्ग की बात करेंगे तो 12 वाला ही अपन को ध्यान में रखना है, जो कि इसमें बताया नहीं गया, लेकिन 12 ही होगा ये। और 12 वाला शेरगढ़ की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि ये 12 के अंदर परवन नदी के किनारे बना हुआ है। तो परवन नदी के किनारे बना होने के कारण से ये भी क्या कहलाएगा, एक जल दुर्ग कहलाएगा। इसके बाद में देखिए भैंस रोडगढ़ के बारे में दे रखा है। आपको मालूम है कि चित्तौड़गढ़ और अजमेर राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं, 2 खंडित अवस्था में, 2 भागों के अंदर बटे हुए हैं। ऐसे भैंस रोडगढ़ चित्तौड़ का ही एक अलग भाग है, चौरासीगढ़ वगैरह सारे इसी में, चोलिया जलप्रपात यहीं पर है। तो ये भैंस रोडगढ़ की बात करेंगे तो ये 2 नदियों के किनारे पर बना हुआ है, चंबल प्लस ब्राह्मणी। चंबल और ब्राह्मणी, इन दोनों नदियों के संगम के ऊपर ये भैंस रोडगढ़ का किला बना हुआ है, जिसको राजस्थान का वेलोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का वेलोर भी कहते हैं। तो निश्चित रूप से ये भी जल दुर्ग है। तो गागरन, शेरगढ़ और भैंस रोडगढ़ तीनों के तीनों कहलाएंगे जल दुर्ग। और चौथा इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कोमलगढ़, जो हमें मालूम है कि एक पहाड़ी पर स्थित है, और उसके चारों ओर दूर दूर तक देखने पर भी आपको कहीं कोई नदी नाला नहीं मिलेगा, तो इसका जल दुर्ग का उदाहरण नहीं है। इसमें ऑप्शन में आएगा आपका कुंभलगढ़। आगे देखिए, शासक जिसने कांटों भरी राह चुनी पर मुगल अधीनता स्वीकार न करके राजपुताना का सम्मान कायम रखा, ऐसा पहला व्यक्ति अगर अपन बात करते हैं तो दोस्तों ये था चंद्रसेन, जिसको प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। इसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसके भाई उनसे मिल जाते हैं अकबर से, लेकिन फिर भी ये स्वयं नहीं मिलता, बिल्कुल कांटों भरी राह चुनता है। सो जब जोधपुर पर अधिकार हो जाता है तो भाद्राजून जाता है, भाद्राजून पर अधिकार हो जाता है तो सिवना जाता है, वहां पीछे पीछे सेना चली जाती है, तो इधर उधर जंगलों में भटकता रहता है, अपनी आजीविका चलाने के लिए अंतिम समय में एक लुटेरा बनना मंजूर, लेकिन उन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की। तो निश्चित रूप से होगा राव चंद्रसेन। प्रताप की बात करें तो यहाँ पर देखो, प्रथम शासक पूछा गया है, राजपुताना का शासक कांटों पर राज चुने पर मुगल अधीनता स्वीकार न करके राजपुताना का सम्मान कायम रखा, इनमें पहला जो व्यक्ति आता है वो चंद्रसेन आता है। चंद्रसेन के बाद में निश्चित रूप से प्रताप केसरी प्रताप का नाम आता है, यानी मेवाड़ केसरी प्रताप का नाम आता है। लेकिन इस क्वेश्चन के संदर्भ में अपन देखेंगे तो ये हमारा आंसर होगा बी, राव चंद्रसेन। निश्चित नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हिंदुआ सूरज कहलाए, यानी आपको उस राजवंश का नाम बताना है जिसको हिंदुआ सूरज कहा जाता है, और जिन्होंने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की,
ना मुगलों के काल के अंदर भी उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपनी आन बान शान हमेशा बनाए रखे। और इस आन बान शान के जो रखवाले हैं वो आपको मालूम है गोहिल वंशी, जिनको रावल भी कहते हैं, और रावल के बाद दूसरी शाखा उनकी सिसोदिया शाखा है। तो सिसोदिया, रावल, या यूं कहें कि गोहिल वंशी जो भी शासक हैं वो सारे कहलाते हैं हिंदुआ सूरज। देखिए दोस्तों, ये तो थे आपके 25 क्वेश्चन जो आपके पेपर में दिए गए हैं। एक बार इनमें से चित्र से आप देख लीजिएगा, इनका सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ये पूरा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स के द्वारा हमें इनके बारे में आप बता सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आगे भी आप हमारे साथ यूं ही बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।